किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर वन में। किसानों के लिए एक खुशी की खबर है, धान की मंडियां खुलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पर किसी किसी मंडी में धान की खरीद शुरू भी हो गई है। पिछले दो दिनों से और आज तीसरा दिन है, मंडियों में खरीद नहीं हो रही थी। कई मंडियाँ जो है वो बंद हैं। किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब मंडियाँ खुलेंगी और कब वो अपने धान की फसल को बेच पाएंगे। पिछले दो तीन दिनों से मौसम बहुत ख़राब है, जो कि किसानों के लिए एक परेशानी का कारण बना हुआ है। मंडियों में भी इतने बड़े सेट नहीं है कि जिसमें सभी किसान अपने धान की फसल को रख सकें, इसलिए उनकी धान की फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है कि निर्यातकों और सरकार के बीच बैठक हुई है। बासमती पर बैठक सकारात्मक रही है। इस प्रस्ताव पर सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी। इस बैठक में दोबारा खरीद शुरू होने की चर्चा हुई है। जैसा कि खबरों के माध्यम से पता चला है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को सरकार 900 से $950 कर सकती है। और जैसे ही इस खबर का पता लगा है कि सरकार कोई सकारात्मक निर्णय लेगी, इससे भाव में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों में धान की खरीद शुरू हो भी गई है, लेकिन हरियाणा और पंजाब की मंडियाँ बिल्कुल ठप पड़ी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी हरियाणा की सोनीपत मंडी के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ कोई भी खरीद पिछले कई दिनों से देखने को नहीं मिल रही है। पिछले तीन दिनों से खरीद बिल्कुल ठप है और सभी किसानों की फसल ढकी भी नहीं हुई है। कुछ पे तिरपाल लगे हुए हैं, कुछ ऐसे ही खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। निर्यातकों की हड़ताल से धान का रेट जो 3900 रुपये तक चला गया था, अब वो 2900 रुपये पर आ गया था। लेकिन अब भाव के बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि निर्यातकों की सरकार के साथ जो मीटिंग हुई है, उसमें ऐसा कोई निर्णय हो सकता है जो किसानों के लिए अच्छा रहेगा और निर्यातक भी खरीद कर सकेंगे। किसान अगली फसल की बिजाई को देखते हुए धान की कटाई कर रहे हैं और मौसम की जो हालात हैं उनको देखते हुए उन्हें मजबूरन कटाई करनी भी पड़ रही है। मंडियां धान से भरी पड़ी हैं, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई नहीं है। खरीद बिल्कुल मंडियों में ठप हो चुकी है, इससे किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और कल शाम से ही मौसम बहुत ख़राब है, जिसके चलते अम्बाला, यमुनानगर, पानीपत, करनाल में भारी बारिश के साथ कहीं कहीं जैसे हाँसी में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है, जिससे किसान की धान की फसल जो मंडियों में पड़ी हुई थी वो भी पानी के साथ बह रही है, जिसका खामियाजा भी किसान को उठाना पड़ रहा है। बारिश होने की वजह से धान की जो फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है, उसमें नमी की मात्रा बढ़ गई है, जिससे किसान को इसे बेचने में भी बहुत सारी दिक्कत आने वाली है, जो कि किसान को बहुत ही हताश और निराश करने वाली खबर है। लेकिन उम्मीद है कि कल से मंडियों में खरीद फिर से शुरू हो सकती है। अगर कल से मंडियों में खरीद शुरू हो जाती है, यह किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। तो ये थी आज की ताज़ा जानकारी। किसान साथियों, जैसे ही कोई नई अपडेट हमें मिलती है, हम आप तक उसको पहुंचाने का काम करेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे धान के ताज़ा भाव की सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।